हेलो एंड वेलकम टू सीयूटी पाठशाला। मैं निकिता महेश्वरी आज अपना कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ और सबसे पहला जो हम स्टार्ट करेंगे जिस सब्जेक्ट से वो है इकोनॉमिक्स। तो आइए चलिए हम देखते हैं पहले चैप्टर में क्या क्या है। हमारा पहला चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें चार यूनिट्स हैं, चार पार्ट्स हैं बेसिकली। पहला है मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फिर आते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी। ये फैक्टर प्राइस पे भी होगा और मार्केट प्राइस पे भी होगा। फिर आता है आपका मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम की किस किस मेथड से हम नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। इसमें तीन चार मेथड्स आएंगे तो हम वो भी पढ़ेंगे आगे चल के। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये है, इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स दो टाइप की होती है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है और मैक्रो पूरे कंट्री के लेवल पे होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे कंट्री को एज अ होल लेके चलता है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें रीजनल, नेशनल और ग्लोबल इकोनॉमिक्स सब कुछ इंक्लूडेड होता है। इसमें हम क्या क्या देखते हैं, इसमें हम जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं, फिर नेशनल इनकम जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते हैं, फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, प्राइस इंडेसेस हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल फाइनेंस। जितनी भी ओवरऑल इकोनॉमी में पूरे ग्लोब में पूरा यू नो ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे चलता गया वैसे वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बढ़ती चली गई, तो उसके बेसिस पे हम ही पढ़ते हैं। ओके, अब इसमें माइक्रो मैक्रो का थोड़ा डिफरेंस है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मोस्ट जनरल फील्ड्स इन इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स के दो पार्ट होते हैं, माइक्रो और मैक्रो, इसलिए ये दोनों पार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस क्या होता है, ये एज अ कंट्री को लेके चलता है। इसमें हम पूरे कंट्री में कैसे हमारा ट्रेड चल रहा है, कितनी इनकम हो रही है हमारे कंट्री की, वो सब कुछ हम देखते हैं। और ऑन द अदर हैंड हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो एक इंडिविजुअल बेसिस पे चलती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स द फोकस ऑफ एनालिसिस ऑफ इन अ सिंगल मार्केट, जैसे कि वेदर चेंजेस इन सप्लाई और डिमांड आर टू ब्लेम फॉर प्राइस इंक्रीज इन द ऑयल एंड ऑटोमोटिव सेक्टर्स। हम एक एक सेक्टर को देख के चलते हैं, एक एक फील्ड को देख के चलते हैं, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी कंट्री को देखते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब क्या होता है, ये एक पूरा सिस्टम होता है जिसमें हम पहले गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के बदले हमें कुछ इनकम जनरेट होती है, फिर उस इनकम से हम उस गुड्स को परचेज करते हैं एंड फिर वो गुड्स सेल हो जाती है। तो ये होता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला होता है रियल इनकम और दूसरा मनी, तो हम वो भी पढ़ेंगे उसके बारे में। तो चलिए आइए इसको पहले देख लेते हैं। प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट आर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पहले हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको उसके बदले में हमें इनकम जनरेट होती है, फिर हम उस गुड्स को कंज्यूम करने के लिए उसे परचेज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहला हो गया प्रोडक्शन, गुड्स की प्रोडक्शन हो गई, फिर कंजम्पशन, उस गुड्स को कंज्यूम करने के लिए हम पेमेंट करते हैं, और फिर इन्वेस्टमेंट। हम इसमें दो तीन तरीके के मॉडल्स देखेंगे। तो पहले मॉडल में ना आपका प्रोडक्शन और कंजम्पशन आएगा, फिर जो हम आगे चल के मॉडल्स देखेंगे उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी आएगी। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप नॉर्मली भी अपने घर पे देखते होंगे कि आपके जितनी भी टोटल इनकम होती है उसमें से हम सारे इनकम को स्पेंड नहीं करते हैं, उसमें से कुछ इनकम को हम सेव करते हैं फ्यूचर के लिए, तो वही होती है इन्वेस्टमेंट। ये तीन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होते हैं एक इकोनॉमी के। In carrying out these economic activities, people make transactions between different sectors of the economy. इस पूरे you know तीन important economic activities को करने के लिए हम बहुत सारे transactions को करते हैं अलग अलग सेक्टर में, वो हम आगे देखेंगे। बिकॉज ऑफ दीज ट्रांजेक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर मूव इन सर्कुलर फॉर्म। जैसे मैंने आपको बोला कि हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बदले हमें इनकम होती है, तो ये जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं उसके वजह से क्या हो रहा है, हमारी इनकम जनरेट हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं, हम वो भी जानेंगे।
एक्सपेंडिचर ऑफ द बायर बिकॉज द इनकम ऑफ द सेलर. देखो हम जब तक एज अ बायर हम कोई गुड्स को परचेज नहीं करेंगे, जब तक हम अपना खर्चा नहीं करेंगे, तब तक प्रोड्यूसर एज अ सेलर उनको इनकम नहीं होगी. तो हमारी एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ द सेलर. ये पहला प्रिंसिपल हो गया. दूसरा प्रिंसिपल है गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो इन वन डायरेक्शन फ्रॉम सेलर टू द बायर व्हाइल मनी पेमेंट फॉर दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन दैट इज बायर्स टू सेलर्स. अब देखिए हम एज अ कंज्यूमर तो गुड्स को बेच नहीं सकते, तो गुड्स की जो ये डायरेक्शन होती है वो कहाँ से आती है सेल करने की, वो प्रोड्यूसर टू सेलर होती है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर होती है. और ऑन द अदर हैंड वो जो पेमेंट वाली डायरेक्शन होती है वो कंज्यूमर टू बायर होती है, कंज्यूमर टू सेलर होती है. चलिए आइए हम वो भी एक बार देख लेते हैं. अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बोला दो टाइप की फ्लो होते हैं सर्कुलर फ्लो में भी. पहला होता है रियल फ्लो, दूसरा होता है मनी फ्लो. तो रियल फ्लो क्या होता है, हाउसहोल्ड्स रेंडर फैक्टर सर्विसेज एज ओनर्स ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू फर्म्स. द फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द डिमांड ऑफ द हाउसहोल्ड्स. जो यू नो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं और वो प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं उनके थ्रू हमारे पास आता है, इसे हम कहते हैं रियल फ्लो. इसमें क्या होता है, क्या चीज इधर से उधर होती है, क्या मतलब क्या चीज का फ्लो होता है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज. ये आपकी प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर के डायरेक्शन में फ्लो होती है. और यही इसका कांस्टेंट फ्लो भी रहता है, ये चेंज नहीं होता, इसका डायरेक्शन सेम रहता है. फिर क्या है, सच फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म्स एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड इज नोन एज रियल फ्लो. हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डेफिनेटली बहुत लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, हम गुड्स प्रोड्यूस करने जाते हैं, इवन इफ हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो भी हम क्या कर रहे हैं, वहां जाके कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट. तो हम अपनी सर्विसेज किसे दे रहे हैं, प्रोड्यूसर्स को, फर्म्स को, फैक्ट्रीज को. तो हम इधर से सर्विसेज दे रहे हैं और उसके बदले वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट. तो इसे हम कहते हैं रियल फ्लो. अब आते हैं मनी फ्लो पे. मनी फ्लो में क्या होता है कि हम उन्हें गुड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो हम उन्हें सर्विसेज देते हैं, वो हमें गुड्स देते हैं. अब वो हम गुड्स ले रहे हैं तो वो क्या हमें फ्री में थोड़ी मिलेगा, राइट. उसके लिए हम पेमेंट करते हैं, तो हमारे पास से पेमेंट उनके पास जाती है. अब हमारे पास पेमेंट कहां से आती है, हम जब अपनी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो उनके हाथ से हमारे पास में पेमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज और वेजेस. वो हमें जब सैलरी और वेजेस देते हैं तब हम उनकी गुड्स को परचेज करते हैं और कंज्यूम करते हैं. सो दैट इज मनी फ्लो. इसमें क्या लिखा है, इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज आर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी. Households received rent for land, wages for labor, interest for capital and profit for entrepreneurship. I hope आपको ये पता होगा कि यहाँ पे चार factors of production होते हैं. सबसे पहला होता है land, जिसके बदले में हमें क्या मिलती है, rent मिलती है. दूसरा होता है हमारा labor, जिसके बदले में हमें wages मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं salaries भी मिलती है. फिर होता है आपका capital, जिसके बदले में हमें इंटरेस्ट, डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड भी मिलती है. जैसे अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने कैपिटल को, अपने पैसे को उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो इन रिटर्न आपको इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड के रूप में आपको वो रिटर्न करती है पैसे को. लास्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या हुआ, जो स्टार्टअप्स होते हैं या फिर कोई ओनर्स होते हैं वो होते हैं एंटरप्रेन्योर, और वो जो बिजनेस रन कर रहे होते हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं, उसे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. तो अगर आप अपने ही बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हो तो आपको उसके बदले में क्या मिलता है, इन रिटर्न आपको प्रॉफिट जनरेट होती है, तो इसका प्रॉफिट होता है. अब हम इसके बारे में, ये जो हमने पढ़ा रियल फ्लो यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, और मनी फ्लो जिसमें पैसे इधर से उधर ट्रांजैक्ट होते हैं, ये किस तरीके से होता है वो हम आगे देखते हैं. ये देखिए, ये पूरा एक फ्लो रहता है. सबसे पहला ये फर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, यानी कि ये
फैक्ट्रीज है या फिर आप ऑफिस भी बोल सकते हैं इसको। इधर से पहले हम, और ये क्या है, ये देखिए पहले इसे जान लेते हैं हम, ये हाउस होल्ड है। हम पहले यहां से यहां पे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं और इस सर्विसेज के रिटर्न में वो हमें क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। अब हम सर्विसेज दे रहे हैं तो हम सर्विसेज क्यों दे रहे हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम ही वो गुड्स क्या करते हैं, गुड्स को वो प्रोवाइड करते हैं फॉर कंजम्पशन। और ये गुड्स को हम कंज्यूम करने के लिए इन्हें क्या देते हैं, पेमेंट देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये वाली जो सर्विस है और ये जो गुड्स है ये हमारी रियल फ्लो है और ये वेजेस और ये जो हम पेमेंट कर रहे हैं ना फॉर गुड्स, ये हमारी मनी फ्लो है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। आगे की और या कंटेंट को देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।